ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पोहा का मज़ा ही कुछ और होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहा की वो रेसिपी जिसे आप झटपट एनी टाइम कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और इस रेसिपी के साथ आप जब भी पोहा बनाएंगे आपके पोहे में दुगना स्वाद आ जाएगा। काफ़ी सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये पोहे बनते हैं जो बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है गैस पे, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉनस्टिक या नॉर्मल। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाला है 3 बड़े चम्मच तेल, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो। पोहे को सबसे पहले आप भिगो के रख दीजिए। एक मोटा छेद वाला छन्नी लीजिए या फिर छेद वाला बर्तन, उसमें पोहे को आप धो के रख दीजिए। तो ये देखिए, मैंने 15 से 20 मिनट पहले पोहे को धो दिया था। आपको इसे धो देना है ताकि पोहे बहुत ही अच्छे से फूल जाएं। तो मोटे छेद वाले किसी बर्तन में आप पोहे को धो के रख दें सबसे पहले, उसके बाद बनाना शुरू करें। कम से कम पोहा बनाने से 15 मिनट पहले इसे धो ही दें। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम्स मूंगफली, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पोहे में। इसे मैं बीच में नहीं डालती, पहले तल के निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे तेल में मूंगफली डाल दिया है, इसे मैं तल के पहले बाहर निकाल लूँगी। आप पोहे में मूंगफली साथ साथ ना डालें, उससे क्या होता है मूंगफली थोड़ा सा मेसी हो जाता है और इसमें कुरकुरापन नहीं रहता है। हमेशा पोहे में मूंगफली बाद में मिलाएं, पहले आप इसे तल के रख लें या फिर रोस्ट करके रख लें। तो ये देखिए, मूंगफली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तल चुका है। मैं इसे निकाल दूंगी बाहर। तो ये निकाल लिया मैंने इसे बाहर। तो जब भी अगर आप मूंगफली वाला पोहा बनाएं तो आप ऐसे ही करिए, आपको लगेगा कि हाँ सच में आज बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया और बचे हुए तेल में अब हम बनाएंगे पोहा। इसे रख देते हैं हम एक तरफ क्योंकि हमें इसे लास्ट में मिलाना है। तो ये देखिए, तेल यहाँ पे गरम है। मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच राई। तो तेल यहाँ गरम है, गैस का फ्लेम अभी लो कर लें। और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मोटी वाली राई मैंने लिया है। अगर आप महीन राई रखते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, राई और जीरा जब चटकने लगे तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च लंबे लंबे कटे हुए डाल दिए हैं। आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ करी पत्ते हैं यहाँ पे थोड़े से। लंबे शेप में कटा हुआ मिर्ची ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आप निकाल के छांट भी सकते हैं बच्चों को देने से पहले, और बड़ों को इसे बीच में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है चॉप किया हुआ, तो इन सब को डाल के हम भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज को पहले मैंने डाल लिया है, इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें इसमें हम डालेंगे। तो देखिए, प्याज फ्राई हो रहा है और ये हल्का पिंक हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। पोहा बनाते हुए हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हो रहा है। और यहीं पे आप डाल लीजिए हरा मटर, मैंने यहाँ पे ताज़ा मटर लिया हुआ है, आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी में धो के या बॉयल करके। तो ये देखिए, मैंने मटर डाल दिया है 1 कटोरी। मटर के साथ पोहे का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको मटर ना मिले तो सिर्फ मूंगफली के साथ आप पोहा बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो थोड़ी देर आपको मटर को भून लेना है, बस 1/2 मिनट, ज़्यादा नहीं, हमें इसे बिल्कुल सूखा नहीं करना है, बस 1/2 मिनट तक ही, थोड़ा सा ये मुलायम हो जाए। और ये देखिए, मैं पोहे में डाल रही हूँ कुछ, तो आप देख सकते हैं पोहे में मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ मिला लिया है। ये है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप नमक, तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला हुआ है। और यहीं पे मैं मिला दूंगी इसमें 1 चम्मच चीनी, जो रेगुलर चम्मच होता है ना वो। पोहा मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम पोहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, ये हमने डाल दिया है पहले ही पोहे में। और इसमें डालना है आपको हल्दी पाउडर, तो ये मैंने बहुत ही छोटा 1/4 स्पून मतलब 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है। बहुत ज़्यादा हल्दी ना डालें, हल्का हल्दी ताकि कलर अच्छा आए और साथ में खुशबू भी। तो ये देखिए, ये पोहा मैंने मिला दिया इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है पोहे में ना। तो 2 मिनट तक आप इसे अच्छे से भून लीजिए ताकि पोहा बहुत ही अच्छे से भून जाए। और मसालों में मैंने यहाँ पे हल्का सा गरम मसाला डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, चीनी डाला हुआ है, चाट मसाला आप इसमें ज़रूर छिड़के।
जिससे थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा। और चीनी ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा चीनी मत डालिएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक रेगुलर चम्मच से एक चम्मच, वो भी 300 ग्राम पोहा जब लें तब। तो ये देखिए, यहाँ पे पोहा बहुत ही अच्छा से भुन चुका है, कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, मटर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो ये पोहा बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, काफ़ी सिंपल है, इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं। आप कभी भी बनाइए, जब भी आपको भूख लगे, खासकर मटर के सीजन में मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और डाला हुआ है ताकि ये थोड़ा चटपटा इसका टेस्ट आए। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें नींबू का रस ज़रूर डालना है, उससे आपका पोहा ज़्यादा टेस्टी बनेगा, वो मस्ट है। तो यहाँ पे आधा नींबू का रस, क्योंकि मैं नींबू यहाँ पे बड़ा है था तो मैंने सिर्फ आधा डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो एक पूरा नींबू डाल सकते हैं। और उसके बाद पोहे को अच्छे से चला लीजिए और आपका पोहा बिल्कुल रेडी है। अगर जिन्हें मूंगफली नहीं पसंद हो तो उन्हें ऐसे ही सर्व करिए, जिन्हें मूंगफली पसंद हो उन्हें मूंगफली डाल के सर्व करिए। पोहे के ऊपर भुजिया, सेव, आलू भुजिया, नमकीन बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो जिसकी जैसी मतलब चॉइस, उस तरह से आप कट करके इसे सर्व करिए। हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है, इसका कलर आ गया है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि पोहा कितना टेस्टी बना है। आप चाहें तो बहुत छोटा छोटा गाजर कट करके इसमें डाल सकते हैं, इससे क्या होगा, बच्चे गाजर भी खा लेंगे, पौष्टिक भी मिल जाएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। मेरे पास था नहीं तो मैं नहीं डाली हूँ पोहा में। आप एक गाजर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाजर नहीं, बस एक गाजर बिल्कुल बारीक कट करके आप इसमें मटर के साथ डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, पोहा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको यहाँ पे इसमें जो मूंगफली मैंने तल के रखा हुआ है ना, उसे भी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब सर्व करें ना तभी ये मूंगफली डालें, इससे क्या होता है मूंगफली बहुत अच्छा, बहुत ही कुरकुरा लगेगा। तो ये चीज़ ज़रूर करें आप। तो ये देखिए, हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट प्लेट में आप डालिए, सर्व करिए, पोहा हमारा तैयार है। और इस पोहे का जो टेस्ट आपको आएगा ना, आपको लगेगा हाँ सच में आज पोहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, मेरा पोहा तो यहाँ पे रेडी है, प्लेट में सर्व भी हो चुका है। मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहें, खिलाते रहें और स्वस्थ रहें।